हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश और मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और एक छोटे से गांव में रहता हूँ। गाइस, मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का इस वीडियो में पढ़ाऊँगा और जितने भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है या पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन को बताऊँगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस आप लोगों का प्यार भरा एक छोटा सा लाइक और से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए प्रश्न कुछ देखते हैं। लाभ और हानि पर यह हमारा पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन का वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है लाभ और हानि पर। तो पहला क्वेश्चन है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। हमारा ऑप्शन इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि का प्रतिशत निकालना है। तो चलिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, एक्स माइनस वाई बाई वाई गुना सौ का प्रतिशत। तो एक्स हमारा कितना है 25 और वाई हमारा है 20, तो मान रख लेते हैं इसमें। एक्स का हमारा है 25, वाई हमारा है 20, नीचे में वाई दिया गया है 20, सौ का गुना है और प्रतिशत है। 25 में 20 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5 और नीचे 20 का 20 और गुणा है हमारा 100 और ये प्रतिशत में दिया गया है, ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20 और 4 को 100 से काटेंगे 4 एकम 4 और ये 25 चौक 100, तो ये हमारा 25% लाभ हो गया हानि। तो क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमारा आंसर ये हो गया लाभ, 25% लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ये आंसर बी में। उम्मीद है आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आज की इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे लाभ और हानि। सेकंड क्वेश्चन है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में है, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो इनका क्रय मूल्य हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई वाई गुना 100 अब इनका प्रतिशत। तो चलिए इसमें मान रख लेते हैं, एक्स का मान कितना है 12 और वाई का मान है 16, तो एक्स का मान हम लिख लेते हैं 12 और वाई का मान 16, नीचे में वाई दिया गया है तो यहाँ 16 आ जाएगा। और किससे गुणा करना है, 100 से, तो हम यहाँ 100 से गुणा कर लेते हैं, ये प्रतिशत में दिया गया है। 12 में 16 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4, तो 12 में 16 घटा लेते हैं 4 आ गया है और नीचे में 16 है और गुना 100 से करना है, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ये प्रतिशत में है। 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा, 25 चौक 100, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 25%। ये हमारा हानि हो जाएगा, 25% की हानि, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 16 है, तो इनमें हम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा लेकिन माइनस में रहेगा, तो माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस आएगा तो 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए हमारा दिख रहा है, 25% हानि। अगर इस वीडियो में आप लोग को कहीं भी डाउट होता है
तो सबसे पहले छोटा सा कमेंट कर देना दोस्तों। चलिए देखते हैं तीसरा। 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना। चलिए इसके फार्मूला से बना लेते हैं। यदि x आम को बेचने पर y आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। लाभ के लिए पूछा गया है तो लाभ का प्रतिशत है लाभ गुणित 100 बटे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो चलिए हम मान रख लेते हैं 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ कितना हो जाएगा। 150 में 30 को घटा देंगे, 150 में 30 को घटा देंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। तो लाभ हमारा कितना है 120। तो मान रख लेते हैं 30 आम है हमारा, तो हमारे 30 आम है 100 से गुणा करना है। अब विक्रय मूल्य माइनस लाभ कितना है हमारा 120 रुपये। तो यहाँ से कर लेते हैं, 10 और 10 यहाँ कैंसिल हो गया है। 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12 और 4 को 100 से भाग करेंगे तो 25 × 100, तो ये हो जा रहा है 25%। 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए 25% हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 केला बेचने पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन में यहाँ पर केला नहीं लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर केला आएगा। 40 केला बेचने पर एक दुकानदार को 10 केला के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि प्रतिशत बताना है दोस्तों। तो हानि का फार्मूला हो जाएगा हानि गुणित 100 बटे विक्रय मूल्य प्लस लाभ। तो हानि बराबर हानि गुणित 100 बटे विक्रय मूल्य प्लस लाभ। चलिए मार रख लेते हैं, हानि हमारा कितना है 10, इधर लिख लेते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, बटा मा विक्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य कितना है हमारा, इधर विक्रय मूल्य 40 हो गया और 10 ये हो गया है। 40 और 10 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ ऊपर का 10 हो गया है और ये 100 का गुणा हो गया है, ये 50 हो गया है। अब 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 10 से कम 10, 10 दूनी 20, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। 20% हानि होगी, 20% हानि होगी। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो प्यारा भरा एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, हो सके तो शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।